तो आज हम महाराज के साथ देख सकते हैं कि बॉडी एकदम सॉलिड है। तो ये बता रहे हैं महाराज की बनारस की सबसे पुरानी हवेलियों में हम आज जो है कि विजिट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जो विद्यार्थी आते हैं महाराज, वो कहाँ कहाँ से आते होंगे महाराज? विद्यार्थी हर एक ऑल इंडिया, अच्छा महाराज, हर एक जगह से आते हैं। हाँ। और कोई वो नहीं है, सब निशुल्क है। महाराज आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम पंडित विकास गर्ग है, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश MP का हूँ। और यहाँ पे मेरे को आए हुए आज 11 साल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे 10 साल की उम्र पे आ चुका था। सबसे फर्स्ट जब मैं पहले आया था तो पहले रहता था राजघाट में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मेरे बड़े भैया छत्रसाल गर्ग जो वहाँ के महंत है, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे रहता था। इसके बाद मैं आया गाय घाट में एक आश्रम था, उस समय बचपन में बहुत छोटा था तो उसका तो नाम नहीं पता है। उसके बाद मैं आया यहाँ पे। अच्छा। तो महर्षि आश्रम के आने के बाद, ये महाराज महर्षि आश्रम है? हाँ जी, ये महर्षि आश्रम महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है। अच्छा, अच्छा। और बहुत अच्छा आश्रम है यहाँ पे। यहाँ पे रहने के बाद मैंने वेद को जो है वेद का पारायण किया, उसको अध्ययन किया। इसके बाद जो है कि मैंने पशुपतिनाथ मिश्रा जी से वेद अपना कम्प्लीट किया, उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। और गाइड का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए गए हैं, तो अंदर चलते हैं और अंदर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पुराने टाइम में जब ये नया लगा रहा होगा तो कितना खूबसूरत लगता रहा होगा उस टाइमिंग में। ये देखिए आंगन है और बड़ा ही ठंडा होता होगा ना महाराज? बहुत ठंडा है। ये सीढ़ियां हैं, तो महाराज से ही जानते हैं थोड़ा सा इन मंदिर, देख सकते हैं मैं बनारस के भी इस प्लेस पे हूँ। तो किस प्लेस पे हूँ भैया बताएंगे महाराज? अभी हम कहाँ पे हैं? ये आपका सिंधिया घाट मणिकर्णिका घाट के पास है। अच्छा। ये बगल में आपका संकटा मंदिर है। हाँ। देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से, यहाँ पे सारा नजारा दिखाई देगा, बगल से पूरा गंगा जी का भी दृश्य दिखाई देगा, यहाँ से राजघाट पुल दिखाई देगा। इधर पे इस पार देखेंगे आप, ऊपर चलिएगा हवेली के। हाँ। ये बहुत पुरानी हवेली है। अच्छा अच्छा महाराज। और इसके ऊपर जब आप जाइएगा तो इधर पे देखिएगा आपको पूरा 80 का नजारा, उस पार का नजारा दिखाई देगा। अच्छा। तो आप लोग चलिए, आपको हम ऊपर दिखाते हैं आगे का। महाराज इतनी सॉलिड बॉडी बना के घूम रहे हैं। आइए चलते हैं स्टूडियो के माध्यम से। और ये बहुत अच्छा महाराज, कितना पुराना होगा ये लगभग? इसका कोई वो नहीं हम लोग के पास, लेकिन जब से देख रहे हैं बिल्डिंग इसी तरह है। अच्छा। और बहुत पुरानी है बिल्डिंग। वाह भाई वाह, आप देख सकते हैं एकदम ऊपर जाने वाले हम। ओह चढ़ने हालत खराब हो रखी है। अरे महाराज हम कैसे जाएंगे? आत्मा विश्वेश्वर का दर्शन नहीं करते हो तो इसका जो पुण्य फल होता है वो आपको प्राप्त कभी नहीं होता है। अच्छा। तो आपका जब भी संकटा माता मंदिर आना है। हाँ। तो आपको आत्मा विश्वेश्वर भी दर्शन करने जाना है। अच्छा अच्छा। तभी इसका पूरा फल प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा। ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। गया था मैं आत्मा विश्वेश्वर महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए। हाँ गया था। और ये इधर पे जो है ये मणिकर्णिका घाट है सामने जो मंदिर, अभी जहाँ आपको ये सब घर दिख रहा है इसके उधर साइड में आपका मणिकर्णिका घाट है। दिखाई देता है, जब ऊपर चढ़िएगा तब देखिएगा तब दिखाई देगा। अच्छा वहाँ उधर साइड में आगे नीचे तल में है। इधर पे ये पूरा राजघाट पुल सामने। और जो पीला मंदिर दिखाई दे रहा है, क्या महाराज? जो वहाँ पे पीला मंदिर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं वहाँ पे महाराज? ये मस्जिद कैसा है? नहीं नहीं, वो मस्जिद ही है। वो कैसे, कौन सा मस्जिद, कुछ पता है? कोई मस्जिद है वहाँ के बारे में तो पता नहीं हमको। हाँ। इतना पता है वो भी मस्जिद ही है। अच्छा। हाँ, और जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है मंगला गौरी माता का मंदिर है। कौन सा? मंगला गौरी के मंदिर, वो जो पीला वाला मंदिर आपको दिखाई, ये वाला? हाँ। अच्छा, ये जो येल्लो कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो मंगला गौरी मंदिर है, पीला वाला बड़ा वाला। अच्छा, मंगला गौरी माता का मंदिर। हाँ, मंगला गौरी माता। हाँ, देख सकते हैं आप किधर कैसी घरें हैं वो सब देख सकते हैं नजारा। तो बहुत पुराना नजारा है। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ओल्ड। इधर देखिए जिस अभी हवेली में मैं खड़ा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ महाराज हमें लेकर आए हैं, इस हवेली पर लेकर आए हैं, और ये हवेली बहुत ही पुरानी है और बड़ा ही अच्छा है। थोड़ा सा अगर इसको देख रेख लिया जाए इसको, तो महाराज बहुत ही खूबसूरत बनेगा अगर इस हवेली पे ध्यान दिया जाए तो। नहीं, ये तो अभी लोकल है, इसके प्रति यदि जैसे महर्षि आश्रम विश्वविद्यालय है ये,
तो यहाँ पे यानी खाने पीने की व्यवस्था है, मेन ये नहीं है, मेन जो है वो शकरकंद गली पे है, तो वहाँ पे एकदम उत्तम व्यवस्था है और महर्षि जी का जो भी कार्य है क्रम है यहाँ पे बहुत अच्छे चलता है, पूजा पाठ यहाँ पे जो है नीचे मंदिर है तो वहाँ पे अनुष्ठान आरती पूजा पाठ अपना यही चलता है, 9 से 11 बच्चे यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान चलता है, आएंगे इसके बाद नाश्ता वास्ता भी होगा, आप इसके बाद जब जाइएगा अभी नीचे आप जब जाएंगे तो विद्यार्थी आ चुके होंगे, अच्छा अच्छा, उसके बाद 9 से 8 से आप मान लीजिए 8 से 11 यहाँ पे अनुष्ठान चलता है, उसके बाद आपका भोजन वोजन, इसके बाद प्रातः निकल जाते हैं यहाँ से, तो 2 बजे के बाद शकरकंद गली में वहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, अच्छा महाराज, लेकिन वो मेन बिल्डिंग है, तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे ही विद्यार्थी अपना पढ़ते लिखते हैं, अच्छा महाराज, वहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, वहाँ पे गुरु जी लोग रहते हैं, प्रबंधक जी लोग, मतलब यहाँ पे महाराज खाना होना का, हाँ खाना आना की सब व्यवस्था है यहाँ पे, रूम मतलब सोने के लिए महाराज व्यवस्था है, नहीं, सोने का रहने का सब कुछ वहाँ पे है, शकरकंद शकरकंद गली पे वही विश्वनाथ मंदिर के ज्येष्ठ बगल में ही है, अच्छा अच्छा महाराज, हाँ जो नीचे है यहाँ पे अभी आपने देखा मंदिर था, खाली उस मंदिर पे क्या है वहाँ पे पूजा पाठ होता है, वो पूजा पाठ के प्रति निमित्त यहाँ पे लड़के बस आते हैं और जो है कि वहाँ पे ही सब कुछ होता है, अच्छा संध्या ध्यान अपना वहाँ पे होता है और सायं सब कुछ हर एक वहाँ पे काम धाम होता है, खाली यहाँ पे खाना पीना भोजन के लिए और खाली अनुष्ठान के लिए उसी के लिए, अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, अच्छा अच्छा, और महाराज और कुछ बातें बतलाना चाहें कुछ कहना चाहें आप, जैसे कि इस एरिया के बारे में, काशी के बारे में, यहाँ के जो लोग हैं, रहन सहन है और जो काशी की जो संस्कृति है उसके बारे में कुछ कहना चाहें आप? काशी की संस्कृति तो यही है कि आप किधर पे भी चली जाइए, ऑल इंडिया चले जाइए, यहाँ के जैसा जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो काशी जैसी जगह है आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे सुख है मन में तन में, जो भी यहाँ पे श्रद्धा है बनारस के प्रति वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको मान लीजिए बनारस से कहते हैं कि यदि कोई यहाँ पे आ जाता है एक दिन या दो दिन भी रुक जाता है या कहीं भी घूम लेता है घाटों का नजारा भी ले लेता है, कहते हैं उसको बनारस से मोहब्बत हो जाती है, तो बनारस एक बहुत उत्तम शहर है, बहुत अच्छा शहर है, आप यहाँ पे आइए घूमिए, जो यहाँ पे मजा है हमको लगता है कि ऑल इंडिया कहीं पे भी नहीं है, हाँ वो तो हम भी फील करते हैं महाराज। और महाराज जैसे गौरी माता मंदिर यहाँ पे है, ठीक है, क्या नाम है, मंगला गौरी माता, तो उनके लिए कुछ बतलाना चाहे उनका थोड़ा हिस्ट्री अगर जानते हो आप उनके बारे में, उनके प्रति तो कुछ नहीं जानते हैं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं महाराज, और महाराज कुछ और कुछ जानते हैं बात जो बतला सके हमारे भाई बंधु जो वीडियोस देखते हैं उनको अपनी बातें बतला सके, आप अभी गए थे संकटा माता मंदिर, हाँ, ये हमारे आश्रम के बगल में ही जो वृक्ष दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, ये बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये बगल में पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पीपल का वृक्ष जो लगा हुआ है आत्मविश्वास के ज्येष्ठ बगल में है, ठीक है, और जो उधर पे है महाराज जो दिखाई दे रहा आपको बरगद का वृक्ष, हाँ हाँ महाराज, ये है संकटा माता मंदिर में, हाँ हाँ। और कहते हैं संकटा माता मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, हाँ। आज का ये मंदिर नहीं है, हाँ। बहुत पुराना मंदिर है, आप हाँ। जाइए दर्शन पूजा पाठ करिए वहाँ प्रति, अपने जो भी श्रद्धा मन से जो भी हो सके उसको अर्जित करिए, वहाँ पे दान पूजा पाठ करवाइए, और कहते हैं यहाँ से मात्र दर्शन करने मात्र से आपको कई जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, हाँ, हर एक संकट हरने वाली माता है वो, और हर एक संकट कोई भी संकट हो आपका हर लेती है तुरंत, आप जाके बस दर्शन प्रति मात्र से मन में श्रद्धा भावना रख के जाइए, बस हो गया, और यदि आपको जाना है तो संकटा माता दर्शन करना ही है, उसके निमित्त आपको आकर के आत्मा विश्वेश्वर में भी दर्शन करना है तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा, अच्छा अच्छा महाराज, हाँ जी हम भी गए थे महाराज, अच्छा बहुत अच्छी बात है, हाँ। और जाइए और पूजा पाठ करिए, हाँ। और भक्ति श्रद्धा मन में रखिए, हाँ। बस यही हमारी सबसे प्रार्थना है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, महाराज इतनी बातें बतलाई और इनका इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया रहा, और अगर इनका बात सुने हैं अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगी है तो इनके लिए कुछ अच्छी अच्छी लाइंस लिखें, क्योंकि मैं इनकी वीडियो इनको शेयर करूंगा तो भैया भी पढ़ेंगे अपने कमेंट्स को, तो अधिक से अधिक शेयर करें भैया की वीडियोस को, और जो हमारी संस्कृति बनारस की है जो खासकर वो पूरी दुनिया में और भी फैलना चाहिए।